ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग फिर अपने एक नए हमारी जो है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एक नया एग्जामिनेशन होने वाला है और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन 13 फरवरी को आ रहा है और हम लोग उसी के लिए स्पेशली आपसे बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी एट द टिशूल डिफेंस एकेडमी, वी आर हियर फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। दैट नोटिफिकेशन आर माइट बी कम एट 13 फरवरी। सो वी आर हेयर टू डिस्कस सम ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से वी ऑल आर हियर, वी हैव वेरी गुड टीम एंड वी ऑल आर गिव यू टू प्रोवाइड द बेस्ट वर्जन, बेस्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। हम यहाँ पर आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से एक बहुत ही समग्र रूप से जो बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल और क्लासेस हैं वो आपको उपलब्ध हो रही है। मैं डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव आपके जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर हूँ और जिसमें हम जीव विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम लोग आपसे यहाँ पर करेंगे। सो आई एम माइटसेल्फ डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव, हियर वी विल डिस्कस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर टॉपिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है कि इस नोबल प्रोफेशन में जो एमएनएस का जो स्टाफ होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के जो नर्सेज होती हैं जो स्पेशली फॉर द गर्ल्स हैं, वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करती हैं, तो जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और शायद किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी पेशेंट को ठीक होने में एक नर्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो एज़ वी नो दैट द स्टाफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, एज वी कॉल द नर्सेज, दे आर दे मीडिएट बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ पेशेंट एंड डॉक्टर्स एंड इट इज़ द बेस्ट वर्जन ड्यू टू विच ए पेशेंट कैन रिकवर। So here I am going to discuss you with some important topic in terms of MNS. तो आज हम आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है इस सर्विसेज के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम और आप जो बात कर रहे हैं वो एक ये बातें आपके स्पेसिफिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अपने आप में एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको एक बहुत बेटर फ्यूचर के एवेन्यूज को खोलता है, बहुत ही बेहतरीन करियर के प्रॉस्पेक्ट को खोलता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। तो दिस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक्सप्लोर ए वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर स्पेशली फॉर द गर्ल्स इफ दे आर एमिंग टू मेक द करियर इन दिस फील्ड, इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर द MNS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, तो अगेन वी आर हियर टू डिस्कस योर सिलेबस स्पेशली विथ यू दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MNS, दैट इज़ द फूड एंड न्यूट्रिशन। आज हम लोग जो बात करेंगे वो भोजन और पोषण के संबंध में आपसे बात करेंगे। वी विल डिस्कस टूडे फॉर द फूड एंड न्यूट्रिशन। क्लियर, आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू द फूड एंड न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि जब हम लोग भोजन और पोषण के संबंध में आपसे बात करने जा रहे हैं तो हमारी पहली बात आपसे ये होगी, हम लोग आज बात करेंगे टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिशन यानी भोजन एंड पोषण, लेक्चर 101। तो हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे कि ये भोजन क्या है, वॉट इज फूड, है ना। वी विल डिस्कस हियर कि वॉट इज फूड। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो है भोजन जो है वो है क्या, वॉट इज फूड, ठीक है, ये भोजन क्या है, ठीक है। फूड इज फूड, तो फूड इज वॉट, तो भोजन क्या है, भोजन के संबंध में हम लोगों को जानकारी लेनी है कि भोजन क्या है, तो भोजन की बात हम लोग करेंगे। तो क्या हम जो कुछ भी खाते हैं वो भोजन है, पहला प्रश्न है कि क्या जो कुछ हम खा रहे हैं वो भोजन है क्या,
हम जो कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी खाएं, तो वो सारा क्या भोजन होता है? जैसे अगर हम चाय पी रहे हैं तो क्या चाय भोजन है? चिप्स खा रहे हैं तो क्या चिप्स भोजन है? हम पान मसाला खा रहे हैं तो वो भोजन है? या हम आइसक्रीम खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, तो ऑल आर दिस आर द फूड, क्योंकि हम इसको भी तो खा रहे हैं क्या? वॉट एवर वी ईट इज दिस फूड, चाहे जो भी हम खाते हैं क्या वो भोजन है? तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम जो कुछ खाते हैं ना वो भोजन के कैटेगरी में नहीं आता है। वॉट एवर वी ईट दैट इज डज नॉट नेसेसरी इट इज फूड, दैट थिंग कुड बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन शायद वो फूड नहीं है। तो भोजन क्या है, फूड क्या है, व्हाट इज फूड, है ना? अगर हम आपसे पूछे कि भोजन क्या है, क्योंकि हम सभी लोग डेली भोजन खाते हैं, हम सभी लोग डेली खाने खा खाते हैं, हमारे लिए भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, भोजन के बिना आप और हम नहीं रह सकते, तो हम लोग जो ये भोजन कर रहे हैं ना, या जो भोजन खा रहे हैं, ये वास्तव में है क्या? वॉट इज दिस, वॉट एवर वी आर टेकिंग टूडे, वॉट इज दिस, इज दिस फूड और एनीथिंग एल्स? तो क्वेश्चन पहला है कि ये फूड क्या है, ये भोजन क्या है? तो आप जानते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये भोजन जो है, जो कुछ फूड है, वो हमको, उससे हमें क्या मिलती है? यानी हम जो डेली भोजन कर रहे हैं, जो डेली खाना खा रहे हैं, उससे हमको क्या उपलब्ध हो रहा है? तो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि व्हाट वी गेट, वी गेट एनर्जी। पहला हमको क्या मिली, एनर्जी फॉर आवर डे बाई डे एक्टिविटी। पहली चीज तो हम देखते हैं कि जो फूड है ना, उससे हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए, ठीक है? तो और क्या चीज है, पहली चीज तो क्या है, वी गेट एनर्जी फॉर आवर डे बाई डे एक्टिविटी, यानी कि जो भोजन है उससे हमें ऊर्जा मिल रही है अपने दिन भर दिन के कार्य को करने के लिए, प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए ऊर्जा मिल रही है। दूसरा क्या चीज है, व्हाट इज सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग है इट ऑल्सो प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, provides nutrition, nutrition। दूसरा है कि ये हमें क्या उपलब्ध कराता है, पोषण को उपलब्ध कराता है। दूसरा हमें क्या ये उपलब्ध करा रहा है, पोषण उपलब्ध करा रहा है। what is this provide, this provide us nutrition। तो food is provide basically two important factor, first is this the एनर्जी, सेकेंड वन इज द न्यूट्रिशन, फर्स्ट वन इज द एनर्जी, सेकेंड वन इज द न्यूट्रिशन। द फूड इज प्रोवाइडिंग टू इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस, ओके, एंड वॉट इज दिस, फर्स्ट वन इज द एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द न्यूट्रिशन, दीज टू आस्पेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फर्स्ट इज द एनर्जी, सेकेंड वन इज द न्यूट्रिशन, पोषण, यानी दो एक महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो कि हमको भोजन से मिलते हैं। पहला क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, दूसरा न्यूट्रिशन मिलता है यानी पोषण मिलता है। पोषण अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है, पोषण अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है जिसको हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। लेकिन शॉर्ट में अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन क्या है, शॉर्ट में अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रिशन क्या है, शॉर्ट में हम इनको देखना है कि ये न्यूट्रिशन क्या है, तो शॉर्ट में इस तरीके से देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है? न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन बेसिकली जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका एक लंबा प्रोसेस है, एक पोषण जो है, पोषण एक लंबी प्रक्रिया है, समग्र प्रक्रिया है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, लॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इट इज़ अ लॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये एक लंबी और चलने वाली प्रक्रिया है और समग्र रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है इंजेशन,
digestion, फिर आता है absorption, और फिर आता है assimilation. There are four activity that is happen under this category. First, what is the ingestion, digestion, absorption and assimilation. यानी ये चार जो प्रोसेस हैं वो सब किस में आते हैं, इस पोषण में आते हैं, न्यूट्रिशन में आते हैं. तो न्यूट्रिशन में ये चार प्रोसेस आते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना है, इनटेक ऑफ फूड. इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू द इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ फूड ये भोजन को ग्रहण करने से संबंधित है. यानी हम भोजन को इनटेक करते हैं, फूड को लेते हैं, भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है वो इंजेशन कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है, भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाती है, जिसमें हम भोजन को क्या करते हैं, भोजन को हम ग्रहण करते हैं, भोजन को लेते हैं. दूसरा है डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड आइटम्स और पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है. यानी भोजन को के जो है जो ब्रेक डाउन करना है फूड आइटम्स और पार्टिकल को, उसमें आती है. एब्जॉर्प्शन में क्या आती है, एब्जॉर्प्शन में आती है एब्जॉर्ब करना ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आइटम, एब्जॉर्प्शन फॉर द डाइजेस्टेड फूड आइटम्स, ठीक है. एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि ये जो कुछ भी डाइजेस्टिव पार्ट है ना, डाइजेस्टेड पार्ट है, ये सारी सेल्स जो हैं बॉडी की उन तक पहुंचाने को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं. कि उन तक ये पहुंच गया तो वो एसिमिलेशन है, उन तक चला गया तो वो क्या है, एसिमिलेशन की ओर आएगा. तो ये आएगा जिसको हम लोग स्वांगीकरण भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्वांगीकरण बोलते हैं. द एसिमिलेशन इट इज व्हाट, इट इज द डिलीवर फूड, डिलीवर्ड एग्जैक्टली, इट डिलीवर्ड डाइजेस्टेड फूड आइटम, डिलीवर्ड डाइजेस्टेड फूड आइटम्स टू द कंसर्न सेल, ठीक है. तो ये एक सारा कुछ जो है वो आपका इस संबंध में आता है. तो आपका जो न्यूट्रिशन है, जो आपका पोषण है, जो आपका न्यूट्रिशन है, ये एक लंबी और समग्र प्रक्रिया है. इट इज़ अ लॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ठीक है. ये चार पार्ट में डिवाइड होती है, चार स्टेप इसके होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर द फोर्थ स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस. फर्स्ट इज द इंजेशन. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. इंजेशन यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, इसका मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना. दूसरा क्या है, डाइजेशन यानी पाचन, भोजन का पाचन, इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड आइटम्स, यानी कि जो भोजन के कण हैं, जो भोजन है उसको, उनको तोड़ना, ठीक है. तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करना, ठीक है. और लास्ट वन है क्या, आंसर है एसिमिलेशन, मतलब डिलीवर डाइजेस्टेड फूड आइटम टू द कंसर्न सेल, यानी जो भी पचा हुआ भोजन है उसको सही जगह पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, सही जगह मतलब जहां पर भी उसकी ऊर्जा की ज़रूरत है उन तक जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण. तो बेसिकली न्यूट्रिशन इज एन लॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, यानी पोषण एक लंबी और सतत चलने वाली प्रक्रिया है और एक समग्र प्रक्रिया है, ठीक है. न्यूट्रिशन इज बेसिकली, न्यूट्रिशन हैज़ फोर सब स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसेस दैट आर, यानी पोषण में चार उप जो है प्रक्रम होते हैं और ये इस प्रकार हैं. पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन.
इंजेशन मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण करना, डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन है, एब्जॉर्प्शन मतलब भोजन का अवशोषण है, असिमिलेशन मीन्स है भोजन का स्वांगीकरण। तो ये चार प्रोसेस पूरा यहाँ पर होता है और हम ये चारों प्रोसेस से फूड बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलें। होप सो आपने ये प्रोसेस समझ लिया होगा, आपने प्रोसेस जान लिया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चल के इस बात को देखते हैं कि और इसमें संबंधित बातें कौन सी हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि अगेन इट दिस द न्यूट्रिशन। तो हमने जान लिया कि जैसा कि हमने बताया कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है, तो एनर्जी मिलती है जिसे हम डे बाय डे एक्टिविटी करते हैं, दूसरा ये न्यूट्रिशन मिलता है। अब हम जानते हैं जो न्यूट्रिशन मिलता है ये किससे मिलता है, तो वी फाइंड कि ये जो न्यूट्रिशन है ना ये न्यूट्रिएंट से होके आता है। ये जो न्यूट्रिशन है ये हमको न्यूट्रिएंट से मिलता है, यानी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट मींस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि जो जितने भी हमको पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको क्या प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस व्हाट न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व हमको पोषण उपलब्ध कराते हैं, पोषक तत्व हमको क्या कराते हैं, पोषण उपलब्ध कराते हैं। पोषक तत्व जो हमारे होते हैं वो हमको पोषण उपलब्ध कराते हैं, है ना, हमको न्यूट्रिएंट जो है हमको क्या उपलब्ध कराते हैं, पोषण उपलब्ध कराते हैं। अब आइए देखते हैं पोषण का क्या मतलब है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का क्या मतलब है, तो इसको इस तरह से समझे हैं, यहाँ पर ऐसे इसको समझते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल मटेरियल पहला ये है, यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का वह समूह होता है। दूसरा विच प्रोवाइड अस विच प्रोवाइड अस नंबर वन एनर्जी, नंबर दो न्यूट्रिशन, नंबर थ्री ग्रोथ, नंबर फोर डेवलपमेंट, एनर्जी न्यूट्रिशन ग्रोथ डेवलपमेंट, एनर्जी न्यूट्रिशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और नंबर फाइव रिप्रोडक्शन। सॉरी, तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व कहते हैं, विच प्रोवाइड अस हम जो हमको उपलब्ध कराते हैं एनर्जी न्यूट्रिशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमको उपलब्ध कराते हैं ऊर्जा पोषक वृद्धि और विकास, ये चारा कुछ हमको जो है न्यूट्रिएंट जो है उपलब्ध कराते हैं, यानी न्यूट्रिएंट ऐसे मटेरियल हैं जो कि भोजन में पाए जाते हैं और ये जो कि हमको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट हमें पोषण देते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट है क्या, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल या अकार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के समूह हैं। विच प्रोवाइड अस जो हमको उपलब्ध कराते हैं एनर्जी न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमको उपलब्ध कराते हैं पोषण
ऊर्जा, पोषण, वृद्धि और विकास। तो ये सारी चीज़ हमको ये न्यूट्रिएंट जो है उपलब्ध कराते हैं, ये हमको न्यूट्रिएंट हमको ये देते हैं, और ये हम इस तरह से देख के ये जान सकते हैं कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये पोषक तत्व। और ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं ना, ये हमारे फूड में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन साइड आवर फूड आइटम्स, इसको इस तरह से कह देते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड आवर फूड आइटम्स। ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं होते हैं ये हमेशा हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ होते हैं, भोजन के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड आवर फूड आइटम, यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो हमेशा हमारे कहाँ पाए जाते हैं, भोजन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है, ये सारा कुछ आपका भोजन से संबंधित बात है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व होते हैं वो हमको पोषण उपलब्ध कराते हैं। दूसरा ये है कि ये क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के समूह हैं। दूसरा ये है कि विच प्रोवाइड अस, जो कि हमको क्या उपलब्ध कराते हैं, जो हमको उपलब्ध कराते हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ये चार चीज़ हमको उपलब्ध कराते हैं, पोषण, ऊर्जा, पोषण वृद्धि और विकास। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन इनसाइड आवर फूड आइटम, की जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये हमारे कहाँ स्थित होते हैं, भोजन में स्थित होते हैं। तो ये सारी कुछ जो बातें थी, कुछ बेसिक्स बातें, वो आज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं आपके न्यूट्रिएंट फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है आपका अपने पहले लेक्चर फूड एंड न्यूट्रिशन में, वो हमने कुछ बातें, बेसिक्स बातें जो फूड से रिलेटेड हैं वो हमने डिस्कस करी हैं, जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं वो डिस्कस करी हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये कितने तरह के न्यूट्रिएंट फूड में पाए जाते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस द बेसिक्स थिंग रिगार्डिंग द फूड एंड न्यूट्रिशन, अबाउट द फूड, अबाउट द न्यूट्रिशन, एंड नेक्स्ट आवर लेक्चर वी विल discuss something more relevant thing about the food and nutrition. Hope so. This video will help you to enhance your preparation. उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो वीडियो है ये आपके तैयारी में आपको आपके योगदान देगा, और आपको कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ में आई है आप अपनी बात प्रॉपर चैनल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और ऑल द बेस्ट कहता हूँ आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।